उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र स्थित मुख्याली खुर्द हत्या केस का एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने लक्सर कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया है। आपको बता दें, बीते दिन लक्सर स्थित मुख्याली खुर्द गांव में 22 वर्षीय शादाब पुत्र हलीम दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए लंढौर महजीब में गया था, जिसके घर न लौटने पर परिजनों द्वारा उसकी तलाश किए जाने पर उसका शव एक नव निर्माण मकान से बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने मृतक शाबाद के शव को अपने कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना के खुलासे में जुट गई थी। मुकदमा लिखवाया गया था जिसमें चार लोगों का वास्तव नामजद किया गया था कि उसका जो भतीजा है साकिब, उसकी हत्या चार लोगों के द्वारा की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाके घटनाक्रम का और जब विवेचना की गई, उसमें प्रकाश में आया कि साकिब अपने तीन चार दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद था। उसमें दो लोगों के और साथ था जो ऑनलाइन सट्टा वहाँ पर खेल रहे थे। उसमें जब इसके द्वारा पैसे निकले गए, उसमें इनका आपस में विवाद होने पर दोनों अभियुक्तों ने राकिब और उसके साथ एक और था उनके द्वारा इसकी हत्या करी गई है बुलशहर की बुलशहर में। तो पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और जल्दी ही इनको न्यायालय में हम लोग पुलिस अभिरक्षा में भेज रहे हैं। अन्य और भी अभियुक्तों के जो नामजद हैं उनके व्हेयरअबाउट्स हम लोग पता कर रहे हैं और इसमें विवेचना में अगर आगे कुछ और चीज़ प्रकाश में आती है तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, इस समय जितने भी जो अभ्यस्त अपराधी हैं उनके खिलाफ तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।